Hello guys, welcome back to the channel, and today we are going to discuss our lecture number 15, which is based on Prime Minister's office. So if you are new to the channel, then subscribe the channel, like the video, comment and share as much as you can. And paper 1, paper 2 lecture series available hai, channel pe jaiye dekhiye and share kijiye among your friends and group relatives jo bhi public administration mein matlab jinka subject hai ya jo interested hai pabad padhne mein. Fine, to shuru karte hai aaj ka lecture. आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं. प्राइम मिनिस्टर इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट. वैसे तो प्रेसिडेंट होते हैं, बट प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि वो नॉमिनल हेड है, और जो प्राइम मिनिस्टर है उनको रियल हेड बोला जाता है, क्योंकि जो एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी होते हैं या जो ऑफिस प्राइम मिनिस्टर को उनकी डे टू डे ड्यूटीज़ को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, उसको PMO या फिर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बोला जाता है. तो ये समझिए, बिफोर इंडिपेंडेंस, आपने अगर थोड़ी बहुत मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ध्यान होगा कि बिफोर इंडिपेंडेंस गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय की जो पोजीशन थी वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, राइट? तो जो गवर्नर जनरल थे या वॉइसरॉय जिनको आप बोले, तो गवर्नर जनरल ऑल द एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस होते थे एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ही परफॉर्म द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ हिज सेक्रेटरी. ठीक है, तो जैसे भारत को आज़ादी मिलती है वैसे ही गवर्नर जनरल जो है वो उनका नाम चेंज होकर क्या बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और उनके जो सेक्रेटरी होता है वो क्या बन जाता है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर चेंज हो जाता है. फाइन, सो बिफोर इंडिपेंडेंस गवर्नर जनरल विद द हेल्प ऑफ हिज सेक्रेटरी परफॉर्म द फंक्शन एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस प्राइम मिनिस्टर टुक ओवर ऑल द चार्जेस ऑफ या टू कवर ऑल द फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल, राइट? प्राइम मिनिस्टर्स का जो सेक्रेटेरिएट है इट वॉज क्रिएटेड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल सेक्रेटरी. PMO जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड पहले क्या था, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस इट वॉज नेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट, बट 1977 के अंदर मोरारजी देसाई के द्वारा इनका नाम चेंज किया जाता है और इसको बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या PMO जिसको बोलते हैं. और PMO का पॉलिटिकल हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, विच इज़ द सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर. एंड इट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961. राइट नाउ इट इज अ डिपार्टमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आई होप इट इज क्लियर टू यू. इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर हम उनकी बात करें तो ही डिड नॉट रिलाई मच ऑन द PM सेक्रेटेरिएट. उन्होंने ज़्यादा भरोसा नहीं किया, ज़्यादा रिलाई नहीं किया, बट कैबिनेट सेक्रेटरी पे ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया, और ही ऑपरेटेड मेनली थ्रू द कैबिनेट सेक्रेटरी. एंड एट दैट टाइम PM सेक्रेटेरिएट वॉज प्लेस्ड अंडर द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, राइट? क्योंकि PM सेक्रेटेरिएट का वहाँ पर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं था. उसके बाद में आते लाल बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री LK झा को अपने सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट करते हैं, एंड अंडर द LK झा या लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की एक कहते हैं ना कि जो पावर और इन्फ्लुएंस है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. सो ऑफिस गॉट ट्रिमेंडस बूस्ट अंडर हिम. एंड उसके बाद इंदिरा गांधी आते हैं. इंदिरा गांधी शी टू रिलाइड ऑन द LK झा, राइट? बट 1967 में उसने क्या किया, मिसिज इंदिरा गांधी ने शी अपॉइंटेड PN हक्सर एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी. एंड आज के दिन ये ऑफिस जितना भी पावरफुल है या जितनी पावर एंड पोजीशन या जो कुछ इन्फ्लुएंस इसको मिला है PMO को, इट वॉज अ लोट टू द फोर्सफुल पर्सनैलिटी ऑफ हक्सर. PM सेक्रेटरीट बिकेम पावरफुल, और PM सेक्रेटरीट जब पावरफुल बना तो कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला. 60s का टाइम आते आते जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, आपने याद होगा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के टाइम पे हमने पढ़ी थी रॉ, राइट? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, राइट? रॉ वॉज एडेड टू द PM सेक्रेटेरिएट एट प्रेजेंट अंडर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, राइट? उसके बाद जनता रेजिम आती है. जनता रेजिम में क्या होता है, मोरारजी देसाई आते हैं, एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि जो एक्चुअल में इंदिरा गांधी के टाइम पे PMO को जो ज़्यादा पावर मिली थी उसको एक्चुअल में कम किया जाए. सो ही मेड एफर्ट टू रिड्यूस एक्सेसिव इंपॉर्टेंस टू द PMO, एंड PN सेक्रेटेरिएट चेंज टू PMO, एंड वी शंकर वॉज हिज प्रिंसिपल सेक्रेटरी. मोरारजी देसाई के टाइम पे PM सेक्रेटेरिएट का नाम चेंज होकर के PMO बन जाता है, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बन जाता है. 1981 में इंदिरा गांधी फिर से ऑफिस रिज्यूम करती है, फिर से प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, एंड ही शी अपॉइंटेड PC अलेक्जेंडर वॉज हिज न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी. PC अलेक्जेंडर ने एक बुक भी लिखी है
ठीक है, कुछ नाम है उसका, माई वर्क विद इंदिरा गांधी कुछ ऐसा करके है, आप रेफ़र कर लीजिए, गूगल कर लीजिए नाम। और इस बुक के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस दी है कि उनका जो टाइम पीरियड रहा एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो कैसा रहा, किस तरीके का रहा और क्यों इतना पावरफुल माना गया उनको उस टाइम के दौरान, मतलब क्या क्या फंक्शन उन्होंने परफॉर्म किया। और अगर आपको रोल समझना हो या फंक्शन समझना हो पीएमओ का, तो उस बुक को मतलब एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। 1984 टू 1989 तक राजीव गांधी का टेन्योर रहता है, और राजीव गांधी के टाइम पे ऑफिस फिर से इम्पोर्टेंट हो जाता है इसकी। और अब की बार क्या होता है, देखिए जब लास्ट टाइम इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या हुआ था, जब कैबिनेट सेक्रेटरी जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ज़्यादा पोजीशन मिली, ज़्यादा पावर मिली, तो कैबिनेट सेक्रेटरी की पोजीशन डाउन होगी। इन द सेम वे राजीव गांधी के टाइम पे जब पीएमओ को ज़्यादा पावर मिली, तो इस बार कैबिनेट सेक्रेटरी की नहीं बल्कि प्लानिंग कमीशन की जो पावर एंड पोजीशन थी वो एडवर्सली अफेक्ट हुई। क्यों? क्योंकि प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, पॉलिसीज़ बनाना, और वो पॉलिसी बनाने का काम जो है वो कौन करने लगा, बेसिकली वो पावर जो है वो पीएमओ के पास आ गई। इवन कहा जाता है कि जो 8th प्लान बना था, 5-year प्लान बना था, इट वॉज मेनली मतलब जो डिज़ाइन किया गया था मेनली डन बाय द पीएमओ, नॉट बाय द प्लानिंग कमीशन, राइट। तो आप यहाँ पर फील कर सकते हैं कि जो प्लानिंग कमीशन का स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है बाय इंक्रीजिंग इन द पावर ऑफ पीएमओ। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आते हैं 1991 से 1996 के अंदर, और फिर से ऑफिस जो है वो ग्रो करता है फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो थे एएन वर्मा। और बेसिकली यहाँ पर आपको काफ़ी एक बैलेंस वाला टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। अभी तक क्या था, या तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मतलब पीएमओ को ज़्यादा पावर मिली है या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को ज़्यादा पावर मिली है, बट यहाँ पर आपको बैलेंस ऑफ इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा एमर्जिंग बिटवीन द टू सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड कैबिनेट सेक्रेटरी। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप आंसर लिखते हैं या जब भी आपको पीएमओ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दो सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन है उनके बीच में एक हारमोनियस वर्किंग रिलेशनशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो डेवलप करने में सबसे इम्पोर्टेंट एक डेटरमाइनिंग फैक्टर जो होता है, इट कुड बी द पीएम हिमसेल्फ। सो द डेटरमाइनिंग फैक्टर इन डेवलपिंग ए हारमोनियस वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टू द पीएम कंटिन्यूज टू बी द पीएम हिमसेल्फ। पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का पीएम के साथ रिलेशन होता है, राइट। इन दोनों का अच्छा हारमोनियस वर्किंग रिलेशनशिप कैसे हो सकती है, इट डिपेंड ऑन द पीएम हिमसेल्फ। पीवी नरसिम्हा राव के बाद गुजराल आते हैं, आईके गुजराल। ही टुक ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1997, एंड उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं वो होते हैं एनएन वोहरा। और बेसिकली उन्होंने पीएमओ के अंदर एंटी करप्शन सेल सेटअप किया था जो अभी भी है, ठीक है। फिर वाजपेयी गवर्नमेंट आती है, ही अज्यूम द ऑफिस फॉर द सेकेंड टाइम एंड अपॉइंटेड ब्रजेश मिश्रा एज इज पीएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी। नाउ यू हैव टू टेल मी दैट राइट नाउ अभी करंटली जो है वो पीएस कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में हु इज हिज प्रिंसिपल एडवाइजर या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो पीएमओ पॉलिटिकली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली हेडेड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी। बिलो प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या होता है, सेक्रेटरी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स एंड इंक्रीजिंग वर्क प्रेशर। यानी कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, जब जरूरत पड़ी तो ऑन डिमांड स्पेशल ऑफिसर भी अपॉइंट किए जाते हैं, राइट। एंड पीएम मे अपॉइंट अ ट्रस्टेड पर्सन एज पॉलिटिकल एडवाइजर। वो अपने किसी अलाय को, अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी कलीग को जो है वो पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पे अपॉइंट कर सकता है। और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है मेनली आईएएस ऑफिसर होता है, बट इट मे बी एन आईएफएस ऑफिसर, दैट मीन्स इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर भी हो सकता है या किसी और सर्विस से भी हो सकता है। इनको अपॉइंट करना मेनली पीएम की विश पर डिपेंड करता है, राइट। फिर बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन जो है पीएमओ का, नाम से पता चला, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करना, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके जो काम है उनको पूरा करने में हेल्प करना। सो द मेन फंक्शन ऑफ पीएमओ इज टू असिस्ट द पीएम इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यू नो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेजिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। सो एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर की जितनी भी ड्यूटीज होती हैं उन ड्यूटीज को कंप्लीट करने में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में हेल्प करता है कौन, पीएमओ हेल्प करता है। सेकंड, एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और जो प्लानिंग कमीशन था, एज अ
चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राइट। नीति आयोग के टाइम पे भी इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। एंड PMO एक्ट एज पब्लिक रिलेशन मैनेजर फॉर PM, डीलिंग विद ऑल द रेफरेंसेज विच हैव टू कम टू PM। जो भी काम आपको प्राइम मिनिस्टर से है तो वो डायरेक्टली PMO के थ्रू होकर के PM तक जाएंगे। एंड PMO एक्ट एज थिंक टैंक टू द PM एंड मेन स्ट्रीम लाइज इन विद द प्रेजिडेंट गवर्नर फॉरन रिप्रेजेंटेटिव इन द कंट्री। आप ये समझिए कि प्रेजिडेंट गवर्नर्स यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो फॉरेन रिलेशन आपको मेंटेन करने हैं वो कौन हैंडल करता है प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे, वो मेनली PMO देखता है। एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन द एग्जामिनेशन ऑफ केसेस सबमिटेड टू हिम। अगर कोई PM तक केस पहुंचता है, कोई भी ऐसा इशू है जो PM को डिस्कस करना है या उसके ऊपर मतलब थोड़ा ध्यान देना है, तो वो बेसिकली जो एग्जामिनेशन का काम है वो कौन करता है या उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, PMO करता है, राइट। सो लास्ट में हम ये कहेंगे कि ये ऑफिस इवॉल्व हुआ है, नो डाउट टाइम टू टाइम ये इवॉल्व होता रहा है अकॉर्डिंग टू, और ज़रूरी भी है कोई भी ऑफिस क्यों ना हो या कोई भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, इट नीड टू डेवलप अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स एंड टाइम, राइट। चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इट नीड टू वर्क इन द हार्मोनियस वे विद अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन। तो जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है यहाँ पर। जैसे हमने बात की ना कि कैबिनेट सेक्रेटरी और PMO के बीच में एक अच्छा रिलेशन आप तभी बना सकते हो, वो अच्छा रिलेशन बनाने का जो काम है वो PM का खुद का होता है, राइट। सो इट नीड टू वर्क इन द हार्मोनियस वे विद अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन, चाहे वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो, चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो, चाहे नीति आयोग हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। सो मेनली जो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन है उनके साथ हार्मोनियस या एक एफिशिएंट वे के अंदर उनको काम करना पड़ेगा, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बेस्ड ऑन द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।